नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा बचपन में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पोर्ट ब्लेयर, जिसको कभी पूर्व का पेरिस भी कहा जाता था। उस समय ये बहुत ज़्यादा डेवलप था। अंग्रेज़ों ने इसको इतनी सुंदर तरीके से बनाया था कि इसको सच में पूर्व का पेरिस कहा जाता था। ये सामने देख सकते हैं NSCV द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। और ये बोट से हम लोग जा रहे हैं और बोट जट्टी पर लगती है और यहाँ से हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बता दूँ। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर का उस समय का सबसे ज़्यादा विकसित, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी इसको बनाया था चलो चल और रेखा उसी राजधानी से अपना सारा काम चलाते थे। कैदियों को इन्होंने यहाँ पर बहुत सारा काम कराया और बहुत सारे कैदी इस काम करते करते बेचारे मर भी गए, शहीद हो गए। तो आपको आप देख सकते हैं सामने जो ये बोट आ रही है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत सारी होती हैं और इन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है। और रॉस आइलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर है, करीब 8-9 वर्ग किलोमीटर का है। तो ये सामने जापानी बंकर, जो याद दिलाता है जापानियों द्वारा इस रॉस आइलैंड पर जब अंग्रेज़ों पर अटैक करके उन्होंने इस रॉस आइलैंड को अपने कब्जे में लिया था, तो उस समय जापानियों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाए थे बंकर, ताकि वो अपनी इस एरिया को सुरक्षित कर पाएँ। जापानी यहाँ ज़्यादातर रह नहीं पाए, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो जापानियों को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन पर 6 और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ था, उसके बाद जापानियों ने ये आइलैंड सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर कर दिया था। हाथ लगा और हाथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर वो आइलैंड दिया गया और पहली बार भारत का तिरंगा झंडा पकड़ यार पोर्ट ब्लेयर की धरती पर लहराया था। हाँ, तो ये देख सकते हैं सामने जो हिरन है, ये यहाँ पर बहुत सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। ये यहाँ पर बड़े सुंदर हैं, क्योंकि हिरन ही यहाँ पर, हिरन और सुअर दो चीज़ें हैं यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं, और कोई ज़्यादा जानवर यहाँ पर है नहीं। ये आइलैंड अभी तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा वीरान है कि आप देखेंगे इसको बहुत सूखा है, बहुत मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा इसमें उस समय की तुलना और अभी से करने का आपको लगेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये इनकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं और पर्यटक आकर इनसे ज़रूर मिलते हैं, इनको खिलाते हैं और इनको प्यार करते हैं और देखते हैं। और सच में आज़ादी की इस कीमत को अभी तो नहीं समझ सकते लोग। उस समय जो हमारे कैदी थे, जो बंदी थे, जो राजनीतिक बंदी थे, वो यहाँ पर रहते थे और रह करके उन्होंने ही सारा ये आइलैंड डेवलप किया था। उन्हीं से सारा अंग्रेज़ काम करवाते थे, दिन भर काम करते थे, बिल्कुल बुरी तरह लेबरों की तरह। शाम को खाना मिले या न मिले, लेकिन पूरे दिन वो लोग काम करते थे। आज रॉस आइलैंड में हम लोग ऐसा लगता है जैसे कि मेले में जा रहे हैं, लेकिन क्या करें। उस समय की याद दिलाती हुई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज दर्शनीय स्थल में आ गया है, देखो इधर। लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर ये लोग गुजरे थे। ये सामने आप देखेंगे एक चर्च है, जिसका नाम मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं इस चर्च का नाम क्या है। मैं आगे बता दूँगा, बट कमेंट करके ज़रूर बता दें। ये चर्च आज पेड़ों से घिर गया है, पेड़ों की जड़ें ऐसी लग गई हैं, देखिए कितना ऊँचा पेड़ है, पेड़ों की जड़ें ऐसी लग गई हैं इसमें, ऐसा लगता है कि ये यहाँ कुछ था नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े यहाँ पर चर्च थे और चीफ कमिश्नर का बंगला था, और वो सारा आज इन पेड़ों ने घेर लिया है, उनकी जड़ों ने घेर लिया है। क्योंकि ये देखिए, वो ये नाम है प्रेसबिटेरियन चर्च। ये चर्च उस समय का वहाँ का सबसे विकसित चर्चों में माना जाता था। ये वही गिरजाघर जिस प्रेसबिटेरियन चर्च है। तो आज और उस समय की तुलना आप करेंगे तो आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं था। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल था,
खारे पानी को मीठे पानी बनाने की मशीन थी। तो आप इस वीडियो को देखें, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और BMJ चैनल को आप कभी भी देख सकते हैं, बहुत सारी अंडमान की वीडियो हैं इसमें। धन्यवाद।